नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत धवन स्वागत करता हूं आपका कर्मा आयुर्वेदा के स्पेशल एपिसोड में, जिसमें आपको बताएंगे कि किडनी पेशेंट के अंदर क्यों होती है खून की कमी। जी हाँ, आपने सही समझा, किडनी पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है। उसके लिए मैं आपको आज एक सूत्र बताऊंगा, जिस सूत्र का नाम है WEDS, WEDS। W से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा क्यों होती है, Y क्यों होती है खून की कमी। E से बताया जाएगा इरेथ्रोपोर्टिन, जो इंजेक्शन लेते हैं वही इरेथ्रोपोर्टिन, उसका क्या रोल है इसके अंदर। और D से आपको बताएंगे किस प्रकार की आपको डाइट लेनी चाहिए ताकि किडनी पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन कम ना हो। और S से आपको बताएंगे कि किस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं जब किडनी पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन कम होता है। तो जुड़े रहिए और अंत तक देखिए जरूर वीडियो, ताकि सभी किडनी पेशेंट्स जिनका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है उनका हीमोग्लोबिन कम ना हो और वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हीमोग्लोबिन कम हो रहा है किडनी पेशेंट्स में, उसका सबसे बड़ा कारण यह कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें इरेथ्रोपोर्टिन की जरूरत होती है। और इरेथ्रोपोर्टिन वही है जो हीमोग्लोबिन को बनाता है। और ये इरेथ्रोपोर्टिन जो है ये किडनी के सेल सिक्रीट करते हैं, किडनी के नेफ्रॉन सिक्रीट करते हैं। और जब किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही तो नेफ्रॉन जो है वो इरेथ्रोपोर्टिन सिक्रीट करने में असमर्थ हो जाते हैं, वो इरेथ्रोपोर्टिन सिक्रीट नहीं कर पाते। फिर चाहे वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, पेन किलर के कारण किडनी खराब हुई है, या फिर किसी एडिक्शन के कारण हुई है, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, किसी भी प्रकार की किडनी प्रॉब्लम है, सभी में देखा जाता है कि जो है हीमोग्लोबिन पेशेंट का रेगुलर कम होता चला जाता है। बिकॉज इरेथ्रोपोर्टिन जो है वो किडनी सिक्रीट करती है, किडनी के नेफ्रॉन सिक्रीट करते हैं, इरेथ्रोपोर्टिन ही हीमोग्लोबिन को बनाने में लाभदायक होता है। इस वजह से किडनी पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन जो है वो बनना कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इरेथ्रोपोर्टिन का रोल इसके अंदर क्या है। तो मैं आपको बता दूं क्लियरली, इरेथ्रोपोर्टिन देखा जाता है, बड़े सारे किडनी पेशेंट आते हैं कहते हैं हम तो इरेथ्रोपोर्टिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, हम 4000 यूनिट ले रहे हैं, हम 10000 यूनिट ले रहे हैं, फिर भी हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं बढ़ रहा। क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि खून बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इरेथ्रोपोर्टिन के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी लगती जरूरत होती है उनकी, और कुछ फॉलिक एसिड्स की भी जरूरत होती है, B12 की भी जरूरत होती है। अगर इन सारी चीजों के साथ हम चलते हैं तभी खून बन पाता है। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिकली और बाहर से इरेथ्रोपोर्टिन लेते हैं तो कई बार खून तो बनता नहीं है, लेकिन साथ साथ कुछ और चीजें जरूर आगे पीछे हो जाती हैं। तो इसके लिए जरूरी है नंबर 1 कि एक बैलेंस डाइट दी जाए, बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन हो, फॉलिक एसिड हो, और इरेथ्रोपोर्टिन को ऑर्गेनिकली हम बनाए, हीमोग्लोबिन को ऑर्गेनिकली ही हम इंक्रीज करें, ताकि इनऑर्गेनिकली हीमोग्लोबिन की इंजेक्शन की आवश्यकता कम हो जाए। और अगर इमीडिएट बेसिस पे हीमोग्लोबिन के लिए इरेथ्रोपोर्टिन की जरूरत है तो वो हम आपको एसेस करके देंगे, आपको कितना लेना है, कैसे लेना है, और किस प्रकार उसमें प्रोटीन लेने हैं, ताकि इरेथ्रोपोर्टिन के साथ साथ प्रोटीन और फॉलिक एसिड मिले और वो खून और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सक्षम हो। अब बात करेंगे हम डी पे, यानी कि डाइट किस प्रकार की लेनी चाहिए ताकि किडनी पेशेंट्स के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़े। लेकिन साथ में यहां पे हमें ध्यान रखना है कुछ चीजों का। डाइट हमें जो देनी है वो हीमोग्लोबिन तो बढ़ाना है, लेकिन हमें पोटेशियम जो है वो पोटेशियम भी ना बढ़े, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किडनी पेशेंट में देखा जाता है पोटेशियम बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, पोटेशियम बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन कम, पोटेशियम बढ़ रहा है। इस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखा जाता है, कहा जाता है कि पेशेंट्स को अगर किसी आम पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है कि आप अनार ले लो, आप चुकंदर ले लो, आप बीटरूट ले लो, आप पोमीग्रेनेट ले लो। ये दो चीजें जनरली दी जाती हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम है, लेकिन जिनको किडनी प्रॉब्लम नहीं है और उनका हीमोग्लोबिन उससे बढ़ भी जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाना है लेकिन पोटेशियम का भी ध्यान रखना है, दोबारा वही बात। तो हमें क्या करना है इसमें से, क्या हम चुकंदर बीटरूट ले सकते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए? मैं आपको क्लियरली बता दूं, चुकंदर बीटरूट का सेवन हमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो बढ़ जाएगा लेकिन पोटेशियम भी बढ़ जाएगा। इससे पोटेशियम बढ़ने के कारण मसल्स फटीक हो जाता है, हमारी मसल्स जो है वो काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से हार्ट की मसल जो है वो भी काम करने की क्षमता कम हो जाती है उनकी भी, और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पोटेशियम रिच चीजें हमें अवॉइड करनी है, जिसके अंदर बीट रूट है, चुकंदर है, साथ में जितनी भी जमीन के नीचे चीजें उगती है ना वो हेवी होती है, रूट से जो ओरिजिन होती है वो भी हमें अवॉइड करनी है। तो सूत्र मैंने आपको ये बताया कि जमीन से नीचे उगने वाली चीजें हमें नहीं लेनी है। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है आलू, चुकंदर, शकरकंदी और शलगम और अरबी। ये चीजें आपको टोटली अवॉइड करनी है, जमीन के नीचे उगती है, हाई इन पोटेशियम होती है, चीजें कम से कम सेवन करनी है। लेकिन हमने दो चीजें बताई हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, एक बताया बीट रूट यानी कि चुकंदर, और एक बताया हमने पोमीग्रेनेट। बीट रूट उसमें से मैंने क्लियरली बोला आपने नहीं लेना है, चुकंदर जो आपका पोमीग्रेनेट है, अनार है, ये क्या ले सकते हैं किडनी पेशेंट? बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण। क्या पोमीग्रेनेट अनार ले सकते हैं किडनी पेशेंट? मैं आपको बता दूं, समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, अनार जो है यदि पोटेशियम 4.5 से कम है, पोटेशियम KFT में आ जाता है 4.5 से कम है तो आप अनार ले सकते हैं, तो अनार का सेवन आप कर सकते हैं। यदि पोटेशियम 4.5 से ज्यादा है तो अनार निषेध है, अनार का सेवन आपने नहीं करना। मैं आगे बताऊंगा आपको अनार किस प्रकार से लेना है।
तो अनार हमें इस प्रकार लेना है कि अनार का जो बीज है ना, वो बीज हमें नहीं खाना है, अनार का हमें जूस लेना है। अनार का जूस मतलब अनार का जो रस है वो हमें लेना है, बीज हमें फेंक देना है। अनार का मुंह में लेंगे, बीज फेंकेंगे मतलब पोटेशियम फेंका और आयरन अंदर लिया, पोटेशियम फेंका, बीज फेंका, आयरन अंदर लिया। यदि पोटेशियम 4.5 से कम है तभी कीजिएगा इसको, ये आप उसमें कर सकते हैं। पोटेशियम बाहर, बीज बाहर और अनार अंदर, हीमोग्लोबिन अंदर, इससे लाभ होगा, फायदा होगा, पोटेशियम भी नहीं बढ़ेगा और साथ साथ हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और चांसेस आपको नजर भी आएंगे उसमें। अब बात करेंगे कि किस प्रकार के सिम्टम्स देखा जाता है, WEDS से आएगा, हीमोग्लोबिन कम होने पे किस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं सामने देखने में। तो सिम्टम्स मैं आपको क्लियरली बता दूं, जिन पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन कम आ रहा होता है, किडनी पेशेंट्स, उन्हें फेटिक देखने को मिलता है, थकावट देखने को मिलती है, ये सिम्टम्स सारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होते हैं, जिसके अंदर फेटिक देखने को मिलता है, साथ साथ मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाता है, इस वजह से फेटिक होता है, इस वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, स्वेलिंग आती है, पेडलोडिमा, फेशियल ओडिमा, पैरों पर सूजन है, फेस पे सूजन है, ऑर्बिटल ओडिमा है, आंखों के नीचे सूजन है। ये क्यों आती है सूजन? क्योंकि जो प्रोटीन है ना, एल्ब्यूमिन जो है वो हमारा रुक नहीं रहा होता शरीर में, जिस वजह से जो सेल्स होते हैं वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो पानी जो है वो सेल्स के बाहर निकलकर पेरिटोनियल कैविटी में इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से सूजन आने लगती है। ये भी इसी वजह से आती है क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो रहा होता है, कहीं ना कहीं वो भी उसके कारण होता है। और साथ साथ भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये 4-5 चीजें जो है मुख्यतः हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से किडनी पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो आप किसी भी प्रकार की किडनी समस्या के लिए कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं, संपर्क सूत्र आपके सामने है, मेडिसिन डाइट गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी। यदि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तब भी कॉल कर सकते हैं, नहीं चल रहा तब भी आपको जानकारी चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नमस्कार।